Hi everyone, my name is Anjali. Welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of my series, and in this video I'm going to talk about this plant. This is a perennial plant. This is known as begonia. तो बेगुनिया जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव आती है मार्केट में. इसकी वैराइटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है प्राइसेस. एंड ये एक पेरिनियल प्लांट है जैसे कि मैंने कहा, तो ये 12 महीने ही रहता है. लेकिन इसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो है बेस्ट, इसका जो फ्लावरिंग सीजन वो है विंटर में. इसको बारिश और धूप से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको डायरेक्ट बारिश में ही रखा है. इसलिए इसकी जो स्टेम्स है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं. एंड इसका जो है मैंने प्रोपोगेशन करके 3 और नए प्लांट्स बनाए हैं, जिसको मैंने अपने बैल्कनी में प्लेस किया है. ये देखिए, इसको बिल्कुल भी बारिश अभी नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको बैल्कनी में रखा है. इसलिए इसके जो लीव्स है बहुत हेल्दी है, एंड स्टेम ऑल्सो बहुत ज़्यादा हेल्दी है. तो इसमें जो सॉइल यूज़ करना है वो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिवर सैंड, प्लस जो है कॉम्पोस्ट या फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें. अगर आपके पास घर में काउडंग है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप काउडंग यूज़ करते हैं तो आपको फर्टिलाइज़र या फिर कोको पीट या फिर ये सब यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी. इसमें जो फ्लावर्स है वो बहुत छोटे छोटे आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो इसीलिए बस ये सिर्फ एज अ सीनरी ही मैं इसको यूज़ करती हूँ. एंड ये देखिए, ये है रेड बेगुनिया. इसके जो फ्लावर्स है वो एकदम रेड होते हैं. तो इसके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, लाइक सकुलेंट की तरह होते हैं. इसीलिए इसमें जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती. तो आप वाटरिंग करते समय ये ध्यान रखें कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो. एंड जब इसका जो मिट्टी की ऊपर की परत है जब वो सूखी मिले तो ही आप उसको वाटरिंग करें. एंड ये देखिए कितनी सुंदर हिबिस्कस खिली हुई है मेरे घर पर. तो ये थोड़ा सेफ है क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा झाड़ियों वाली जगह पर इसको प्लेस किया है, जहाँ पे बारिश की बूंदें बहुत कम आती है. एंड ये है डबल वाला बेगुनिया. देखिए इसकी जो फ्लावर होती है वो एकदम डिफरेंट होती है. ये देखिए एकदम गोल, एकदम ये पॉम पॉम की तरह है. एंड ये देखिए इसका जो फ्लावर है वो एकदम डिफरेंट है. एंड एक और है इसके आगे, ये देखिए ये भी डबल वाली है. एंड ये देखिए ये है पिंक बेगुनिया. इसको मैंने अपने बालकनी में रखा है तो इसमें भी बारिश की बूंदें नहीं आती हैं. इसको मैंने हुक पॉट में लगाया है, ये देखिए इस तरह से. अगर आपके पास कोई पुराना बेगुनिया प्लांट है तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उसकी कटिंग करके नए प्लांट बना सकते हैं. एंड ये एक और वैरायटी है जिसकी लीव्स काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जिसको फूल होते हैं वो काफ़ी छोटी आती है. तो आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून. आई विल कम विद दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़.